हाँ जी प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 जो लैग्रैन्जिस मीन वैल्यू थ्योरम पर और रोल्स थ्योरम पर डिपेंडेंट है उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6। बच्चों पहला क्वेश्चन जो सेकंड है वो क्या कहता है कि ये एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर नीजर एक्स है, इसकी बच्चों रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, और इसकी कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम्स के बारे में भी बताना है। तो मैं इसको पढ़ के बता सकता हूं आपको कि सेकंड क्वेश्चन में मेन करना क्या है। वो कहता है एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी वन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, कैन यू से एनीथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है इन तीनों फंक्शंस के लिए, और साथ में और क्या चेक करना है बच्चों, इसके कन्वर्स के बारे में भी डिस्कस करनी है। बच्चों ये फंक्शन है हमारा पहला एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स, और इंटरवल हमें दे रखा है 4, 5 से 9 के बीच में। बात समझ आई बच्चों? रोल्स थ्योरम के बारे में आपको मालूम है, लेट स्टार्ट हो जाओ। एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी, एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, ड्राइवेबल होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी तो नज़र आ रहा है आपको, एफ फाइव पे वैल्यू क्या है बच्चों इसकी 5, और एफ नाइन पे वैल्यू क्या है 9, तो एप्लीकेबिलिटी तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन और भी हम डिस्कस करते हैं, कंटिन्यूटी और ड्यूरेबिलिटी पे भी बात चेक करते हैं, इसके कर्व के बारे में भी देखते हैं और इसके कन्वर्स के बारे में भी देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो बच्चों ये ग्रेटर देन इंटीजर फंक्शन एक्स है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इंटीजर कि यदि 2.3 होता है तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों, 2, वेरी गुड, 3, और -5 क्या आंसर आता है 5, तो क्या आंसर आई वे समझ, और सिर्फ 2 है तो क्या आंसर आता है 2, समझ आई या नहीं आई, ठीक है जी, थोड़ी बहुत नॉलेज है आपके पास। अब बच्चों इसके ग्राफ के बारे में आप देखो, इसका मतलब ये है 1 के बीच में ये ग्राफ जाने वाला है, ठीक है, ओके। वो अपनी वैल्यू 1 ले लेता है तो आगे ये वाला होने वाला है, इसके बाद ये स्टेप फंक्शन बन जाता है, क्या बन जाता है स्टेप फंक्शन, बात ही समझ। और इधर जो ये वैल्यू है वो इस तरह इधर लेता है, तो ये बात समझ आती है। ये ओपन मैंने क्यों डाला है बात समझ आई, क्योंकि 1 पे वैल्यू वो 0 नहीं ले रहा, 1 पे क्या ले रहा है ऊपर ले रहा है, तो इसको मैंने कैविटी भर और क्या है ओपन है। तो बच्चों इतने सारे बच्चे बैठे हो तो इस ग्राफ के बारे में क्या ख्याल है, ये ग्राफ क्या है आपका डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, और इसकी जो डेरिवेबिलिटी है उसके बारे में क्या ख्याल है बच्चों, इसका हर पॉइंट पर चाहे मैं 2 रखूं चाहे 3 रखूं फंक्शन के अंदर, तो डेरिवेबल जो है इसका वो क्या आएगा 0 आएगा। एफ डैश एक्स तो 0 हो रहा है लेकिन वो क्यों हो रहा है, वो रोल्स थ्योरम की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ आई या नहीं। वो कहता था एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ना तो ये कंटिन्यूस है और ये इस इंटरवल के अंदर डेरिवेबल मतलब 5 और 9 के अंदर ये आपका डेरिवेबल भी नहीं है। लेकिन एफ डैश एक्स 0 हो रहा है लेकिन कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम का कोई मतलब नहीं है, कि एफ डैश इक्वल टू 0 हो रहा है तो मतलब बाकी तीनों कंडीशन भी प्रूव होनी चाहिए, कि कंटिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, एफ फाइव और एफ नाइन पे वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो ये बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। तो अब बच्चों इसके अंदर आप लिखोगे कैसे कि कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है बच्चों ये बताओ, ये अपने इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होता। तो इंटीग्रल पॉइंट कहाँ कहाँ है बच्चों, 5 आगे 6, 7, 8, 9 क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है। डेरिवेबल तो है अलग अलग इंटरवल के अंदर है, ठीक है। आपको एक चीज मालूम है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो पक्का क्या होता है कंटिन्यूस होता है। अब वो कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको मोड एक्स मालूम है
कि मोड एक्स जो होता है जीरो पे कंटिन्यूस होता है, लेकिन जीरो पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या, फाइव, और एफ नाइन पे वैल्यू क्या आ रही है, नाइन। ठीक है, किसी एक वजह से नहीं, बहुत सारी वजह से वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और इसका जो एफ डैश एक्स है बच्चों, एफ डैश एक्स बहुत जगह जीरो है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है। तो ये बात आप लोगों को समझ आई या नहीं, मानसी क्लियर है या नहीं, ऐश्वर्या, प्रियंका, ठीक है, गौतम क्लियर है, ठीक है। तो जी अंकित आपको भी क्लियर है बेटा, चेतन आपको भी क्लियर है, तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये फंक्शन आपको समझ आ गया, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये कंटिन्यूस ही नहीं होते, तो रोज सुनाऊंगा तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। और एफ फाइव पे वैल्यू वो फाइव ले रहा है, और एफ नाइन पे वैल्यू क्या ले रहा है, नाइन ले रहा है। अब ये फंक्शन जो है बच्चों जीरो से वन के बीच क्या रहता है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जीरो रहता है, जीरो रहता है, उसके बाद क्या रहता है, वन। डिफरेंशिएबल तो है, और डिफरेंशिएबिलिटी भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, हर जगह जीरो आ रही है, लेकिन एफ डैश एक्स जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी थ्योरम कंडीशन रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाइड कर देगा, तो ऐसा नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, अब वो कहता है माइनस टू और टू पे, और ये भी बहुत बढ़िया उस एग्जामिनर ने एनसीईआरटी वालों ने किया हुआ है कि यहाँ पर हमें पॉइंट्स अब माइनस टू से टू दे दिए हैं, तो ये भी कंटिन्यूस नहीं है। कहाँ कहाँ कंटिन्यूस नहीं है बच्चों, इसको यहीं मैं ठीक कर देता हूँ, माइनस टू से टू, माइनस टू पे कंटिन्यूस नहीं है, और आगे माइनस वन पे कंटिन्यूस नहीं है, जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, वन पे कंटिन्यूस नहीं है, टू पे कंटिन्यूस नहीं। एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और सब जगह क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, आ रही बात समझ। और जहां पर माइनस टू पे वैल्यू निकाली तो क्या आई बच्चों, माइनस टू आई, और आपके टू पे निकाली तो वो क्या आई, टू आई, तो रोल थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। तो एफ डैश एक्स यहां पर भी जीरो है, लेकिन कन्वर्स का मतलब ये नहीं कि उसकी बाकी सारी कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, ऊपर वाली क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई, तो ये दो पार्ट आप लोगों के हो गए। थर्ड पार्ट है बच्चों, ये तो पॉलिनोमियल आ गया सीधा, और इस पॉलिनोमियल जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है बच्चों। तो फिर स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों थ्योरम के बारे में। तो यहां पर फंक्शन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या बच्चों, वन और टू, ठीक है। तो अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है बच्चों कंटिन्यूस है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वन और टू पे, क्यों, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल। जी बात समझ आ रही है बच्चों, एफ एक्स जो है वो क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है, किस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर, बात आई बच्चों समझ, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अब बच्चों निकाली तो ये बताओ बच्चों, थर्ड कंडीशन वन इज नॉट इक्वल टू एफ टू, तो रो नॉट एप्लीकेबल, क्यों एप्लीकेबल नहीं है, उसका रीजन लिख दो कि एफ ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू, ठीक है। कन्वर्स के बारे में क्या ख्याल है बच्चों, इसको बच्चों टू एक्स रखा तो टू सी इक्वल टू जीरो, तो सी की वैल्यू जीरो बाई टू इज इक्वल टू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है। तो नहीं आ रही तो जरूरी नहीं है कि एफ डैश नहीं आ रही, तो कन्वर्स का तो मतलब ही नहीं उठता कि सी की वैल्यू इन बिटवीन आ रही जाती तो हो सकता था। फिर इस क्वेश्चन को एक बार ले लेते हैं, ये फंक्शन क्या बच्चों, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। कन्वर्स का मतलब एफ डैश सी जो है वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए था इन बिटवीन, तो वो जीरो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है कन्वर्स का तो मतलब ही नहीं उठता कि कन्वर्स कैसे होगा, जब उसकी असल जो कंडीशन है वही सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो उसके बारे में हम कैसे बात करेंगे। अब बच्चों यही क्वेश्चन नंबर टू जो है, एग्जामिनर कहता है कि एनसीईआरटी वाले कहते हैं एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस। तो लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम एक एक्सपेंशन है, मैंने बताया था रोल्स थ्योरम एक हॉल है, तो लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम ये पूरी बिल्डिंग है।
तो पूरी बिल्डिंग के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो उसके अंदर दो ही कंडीशन होती हैं। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपका क्या है बच्चों, पहले ये बताओ, नॉट कंटिन्यूस। क्या बच्चों, किसके अंदर? 5 और 9 के बीच में ये कंटिन्यूस नहीं है। और कहाँ कहाँ नहीं है बच्चों? 5 पे नहीं है, 6 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, 8 पे नहीं है, 9 पे नहीं है। डिफरेंशिएबल है, क्या बच्चों डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसका डिफरेंशिएबल सारे क्या रहे हैं? 0। पहली कंडीशन की तो बात ही नहीं है, तो लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर -2 और 2 है, तो -2 पे -1 पे 0 पे और 1 पे और 2 पे यहाँ पर ये कंटिन्यूस ही नहीं है। जब फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो लैग्रेंजिस के बारे में सोचना तो गड़बड़ है। और बाकी ये डिफरेंशिएबल है, और सारे डिफरेंशिएबल इसके क्या आ रहे हैं बच्चों, सारे डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, हर पॉइंट पे 0 आ रहे हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है एफ ऑफ लैग्रेंजिस के लिए दो कंडीशन में से एक कंडीशन कंटिन्यूस वाली नहीं है, तो लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और थर्ड, इसके अंदर थर्ड पार्ट के अंदर बच्चों ये फंक्शन है आपका कंटिन्यूस है। क्या बच्चों? कंटिन्यूस है। किसके अंदर? 1 और 2 के अंदर। और दूसरा डिफरेंशिएबल भी है, किसके अंदर? 1 और 2 के अंदर। रोल्स के अंदर तो 3 कंडीशन चाहिए थी, जो थर्ड कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर सारी कंडीशन क्या हो रही हैं? सेटिस्फाइड हो रही हैं। कंडीशंस LMB थ्योरम इज सेटिस्फाइड बीच में, इन बिटवीन 1 एंड 2, सच दैट क्या होगा बच्चों, यहां पर FC इक्वल टू क्या होगा बच्चों, FB-FA upon B-A। FC निकाल, तो F-X आप लोगों को मालूम है क्या आया, 2X, और यहाँ पर F-C किया तो इससे ये क्या आया, 2C, तो 2C। और F1 पे जो वैल्यू है वो क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है, और F2 पे वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 3। तो 2 कर लो, तो 2-1, तो 3-0, तो ये बात समझ आई क्या है, 0। तो C की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 भाई, वो किसके बीच में आ रहा है बच्चों, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम इन तीनों में से एक फंक्शन पर एप्लीकेबल थी। और यदि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो ये तो देखते ही आप बता सकते हो, ना तो ग्रेटर निजर फंक्शन वाला, ना तो आपका वो कंटिन्यूस है, ना डिफरेंशिएबल है, ना रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, ना लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई या नहीं आ गई? तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐश्वर्या बताओ मुझे, इसका एनालिसिस बताओ कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, कैसे करें इसको मानसी? हाँ जी बच्चों, यहां पर जो है जैसे आपने फंक्शन के अंदर क्वेश्चन किए थे वैसे क्वेश्चन है फंक्शन के अंदर। तो इसकी बात को धीरे धीरे समझते हैं, क्या क्या रहा है। एक फंक्शन है, उसका डोमेन क्या है, -5 से 5, और उसका को डोमेन क्या है बच्चों, आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देयर एग्जिस्ट F'(x) डज नॉट वैनिश एनीवेयर। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और इफ F'(x) डज नॉट वैनिश, ठीक है, तो F'(x) जो है डज नॉट वैनिश करता है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि F(-5) इज नॉट इक्वल टू F(5). तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब इसको एनालाइज करो, कैसे एनालाइज कर सकते हो? ठीक है, अब क्या है -5 से 5, और आउटपुट को डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो फंक्शन अब हमें दिया नहीं हुआ, और वो कह रहा है F'(x) जो है वो वैनिश नहीं करता। तो वैनिश नहीं करता इसका मतलब क्या है, उसकी स्लोप जो है कभी भी क्या नहीं होती, 0 नहीं होती। क्या नहीं होती, फंक्शन की स्लोप कभी भी क्या नहीं होती, 0 नहीं होती। तो ये बात समझ आई या नहीं आई? तो अब कैसे करें बच्चों, ये बताओ। तो इधर देखो बच्चों, यहाँ पर रोल्स थ्योरम का तो मतलब ही नहीं बनता। क्यों मतलब नहीं बनता? क्योंकि रोल्स थ्योरम के अंदर F'(c) क्या होता था, इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, तो इसका मतलब जो वैनिश नहीं करती,
तो इसका मतलब वो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है। क्या बच्चों? मोनोटोनिक। तो ये बात आपको समझ आ रही है, कहीं पे भी वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं ले रहा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर लैग्रैन्जिस मीन वैल्यू थ्योरम लगानी पड़ेगी, और लैग्रैन्जिस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। कोई बात नहीं, फंक्शन नहीं है लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है। तो पहली बात इसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं कंटिन्यूस। अब बच्चे कह रहे हैं सर कंटिन्यूस तो दिया नहीं हुआ, तो बच्चों ये जो कंटिन्यूस है किसी इंटरवल माइनस फाइव से फाइव ले लिया। डिफरेंशिएबिलिटी जो है क्या इंप्लाइज करती है बच्चों? वो कंटिन्यूस है, ठीक है, और हमें वो जो है आपका डिफरेंशिएबल दे रखा था इसलिए ये क्या है? कंटिन्यूस है। लेकिन कंटिन्यूटी हमेशा इंप्लाई नहीं करती कि वो डिफरेंशिएबल होगा, समझिए बात बच्चों। दूसरी ठीक है, किसके अंदर? माइनस फाइव से फाइव के अंदर, ठीक है। यहां पर सारी एल एम वी टी इज सेटिस्फाइड। तो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो देयरफॉर के लिए तीन निशान जी, इसको देयर एग्जिस्ट कहते हैं, अ नंबर सी इन बिटवीन, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ फाइव माइनस एफ ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव माइनस ऑफ माइनस फाइव। ये हमने लैग्रैन्जिस मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी। अब बच्चों एफ डैश सी जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, ये आपको दिया हुआ है, वो कभी वैनिश नहीं करता। तो एफ डैश सी भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो लगा दिया हमने, और ये एफ ओ फाइव माइनस एफ ओ माइनस फाइव, ये क्या था बच्चों? फाइव प्लस फाइव। कोई भी चीज़ जो है बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से ये शो हो रहा है कि एफ माइनस फाइव, यदि कोई चीज़ जीरो की वजह से होती है न्यूमरेटर से, या टेन आप इधर लेके आओ, जीरो इंटू टेन कितना हो गया? जीरो। बात समझ आई या नहीं आई? तो इसका मतलब यह है कि एफ फाइव जो है किसके इक्वल नहीं है? एफ ऑफ माइनस फाइव के। तो ये आपकी बात प्रूव हो गई। इसको एक बार फिर दोबारा बता देते, ये फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ पर फंक्शन नहीं दिया हुआ, सबसे बड़ी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। और एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, तो डिफरेंशिएबिलिटी किसको बताती है? कंटिन्यूटी को। तो ये जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो लैग्रैन्जिस मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है वो लगा दी, लेकिन यहाँ पर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो था, वैनिश का मतलब जीरो नहीं हो रहा, कभी भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हो रहा। ये फंक्शन ज़्यादा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या मोनोटोनिक है। तो यहाँ पर आके नॉट इक्वल टू जीरो लगा दिया, तो एफ फाइव ही नॉट इक्वल टू एफ माइनस फाइव। जी हमें क्या करना था? प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच।